नमस्कार, रिचर रियल बेजिस में आपका स्वागत है। आज मैं तवा बर्गर बनाने जा रही हूँ। ये फेमस स्ट्रीट फूड है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बर्गर बनाने के लिए हमने 6 आलू लिए हैं, आधा पत्ता गोभी के लीव्स लिए हैं, 4 टमाटर, उनको गोल गोल पीसेस में काट लिया है, 1 शिमला मिर्च और पत्ता गोभी चॉप करके आधा लिया है, मटर लिए है 1 कटोरी, खीरा लिए हैं 1 कटोरी, चीज लिए है, बटर है, और चटनी 1 कटोरी ली है, हरी चटनी, सॉस लिए है, हरी मिर्च 4 काट के ली है, आधी चम्मच धनिया पाउडर लिया है, आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला। पेटीज बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें घी डाल लिया है, पहले जीरा डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, हरी मटर, ये हमने उबाल के रख लिए, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्ची, जब तक हमारी सब्जी पक रही है हम आलू ग्रेट कर लेते हैं। आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं, अब हम ये आलू को सब्जियों में मिला लेंगे। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और गरम मसाला इसमें मिला लेंगे। इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे पेटीज के मसाले को। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं, जब ठंडा हो जाएगा तब हम बर्गर पेटीज बनाना शुरू करेंगे। पेटीज को क्रिस्पी करने के लिए हम एक कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया हमने, 2 चम्मच मैदा, 1/3 नमक डालेंगे, इसका एक घोल बना लेंगे। इससे हमारे बर्गर का पेटी बहुत क्रिस्पी बनेगी। हाथ में थोड़ा सा घी लगा के हाथ को चिकना कर लिया है। Thank you.
ये हमने दो ब्रेड के ब्रेड क्रम्स बना के रखे हैं। टिक्की को थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। एक साइड में हम डीप फ्राई करके बना रहे हैं, आप शैलो फ्राई भी बना सकते हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में जब तक ऑयल गरम हो रहा है तब तक हम पेटीज तैयार कर लेते हैं। घोल में डिप करेंगे हल्के हाथों से। ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। इस तरह की हमारी पेटीज तैयार हो गई। अब इसे हम घी में छोड़ देंगे। इसी प्रकार हम दूसरी भी सेक लेंगे। घोल हमने इतना गाढ़ा रखा है, अब घोल को लगा देंगे चारों तरफ से। ये बहुत हल्के हाथों से करना पड़ेगा, टाइट करेंगे तो ये पेटीज टूट जाएगी। एक साइड से चुकी है, इसे पलट लेंगे। पेटी सिक चुकी है, ये बहुत क्रिस्पी बनी है, इसे निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम सारी पेटीज सेक लेंगे बर्गर के लिए। अब इसको भी पलट लेंगे। टिक्की देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हम तवा चढ़ा लेंगे, तवा बर्गर बना रहे हैं। तवे को गरम कर लेंगे। बर्गर को बीच में से काट लेंगे, अपने पाव को हम पाव बीच में से काट लिया है। इसे हम इस तरह से सेक लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। पाव सिक चुके हैं, ब्राउन हो गए अंदर से। टमाटो सॉस लगाएंगे एक साइड में। पेटीज लगा दी है हमने। पेटीज के ऊपर ये खीरे लगा दिए हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे।
अब हम चीज घिस लेंगे। अब टमाटर लगा लेंगे। अब बन के साइड में हरी चटनी लगाएंगे। हरी चटनी लगाने के बाद इसे पैक कर देंगे। हमारा बर्गर बन के तैयार है। इसी प्रकार दूसरा बर्गर भी लगा लेते हैं। तवा बर्गर बन के तैयार है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी।